हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुमकुम किचन्स में। आज मैं आपके लिए दो तरीके की नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। पहला हमारा जो नाश्ता है उसे हम आटे से बनाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता बनेगा। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। दूसरा नाश्ता हम बनाएंगे लौकी से, और ये बहुत कम तेल में बन जाएगा, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, तो आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोनों तरीके के नाश्ते बनाना। पर मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, जिसको कि मैंने इसे अच्छे से छान लिया है, और इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूं और 1/2 चम्मच अजवाइन डाल देंगे। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा मैं इसमें डाल रही हूं। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मैं इसमें डालूंगी। 1/4 चम्मच हल्दी डाल देते हैं। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालकर मिला देती हूँ। 1 चम्मच सफेद तिल डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं 1 बड़ा उबला हुआ आलू है, जिसको कि कद्दूकस करके डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए यह इस तरीके से हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पूरी के आटे के समान डोह तैयार करेंगे। ये थोड़ा सख्त डोह होना चाहिए। देखिए हमारा डोह बनकर तैयार हो गया है। ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा देती हूँ। यदि आप इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे तो यह रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी, और इसकी सेल्फ लाइफ भी काफी बढ़ जाएगी। अब इस तरीके का छोटे छोटे लोई तोड़कर हम इसको बेल लेंगे, और इसे हमें बहुत पतला बेलना है, ज्यादा मोटा हम इसे नहीं बेलेंगे। इसमें हमें आटा या तेल कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, यह नहीं चिपकेगा। और इसे हम देखिए इस तरीके से बहुत ही पतला बेलकर तैयार करेंगे। मैंने इसे देखिए पतला बेल लिया है, और कुकी कटर या ग्लास की सहायता से आप इसे मनचाहे आकार में काट लीजिए। एक्स्ट्रा पार्ट हम निकालकर अलग कर देंगे और इसे कांटे से हम छेद कर देंगे, जिससे कि यह तेल में जाकर फूले ना। देखिए मैंने सभी पूरी में छेद कर दिया है, और इसी तरीके से मैंने इतनी पूरियां बनाकर तैयार कर ली हैं। तेल यहाँ हमारा गर्म हो चुका है, और इसमें हम एक एक करके पूरियां डाल देंगे। जितनी पूरी इसमें आ सकती है उतनी हम इसमें आलू पूरियों को डालेंगे, और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने में 1 से 2 मिनट लगेगा। जब यह सुनहरे होकर ऊपर आ जाएंगी तब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारी सभी पूरियां फ्राई हो गई हैं, और इसे हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई है। देखिए कितनी क्रंची बनी हुई है, मैं इसे तोड़कर दिखा रही हूँ। और ये 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। आप इसे सफर में या बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। इसमें मैंने कद्दूकस की हुई लौकी डाली है, जिसको कि मैंने छीलकर कद्दूकस कर लिया है। 1 बाउल बेसन हम इसमें डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच के लगभग सूजी मैंने इसमें डाल दी है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर मैंने दरदरी कटी हुई हरी मिर्च और अदरक डाला है। 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार इसमें डाल देते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए इसे चम्मच से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे हाथ से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें 1/2 कटे नींबू का रस डाल रही हूँ, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब मैं 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। यदि आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी अच्छे तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर मैंने एक कुकर का डब्बा लिया है, आप चाहें तो कोई भी गहरा बर्तन ले सकते हैं। इसे इस तरीके से मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है, और हम इसमें इस मिश्रण को भर देंगे। देखिए मैंने सारे मिश्रण को इसमें डाल दिया है, और इसे सभी तरफ अच्छे से फैलाते हुए टैप कर लेंगे। सभी तरफ इसे अच्छे से फैला लीजिए चम्मच से। मैंने इसे सभी तरफ अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसे
कुकर में डालकर स्टीम करेंगे। तो यहाँ मैंने पहले से 2 ग्लास पानी कुकर में डालकर गर्म होने रख दिया था। इसमें इस तरीके से एक रिंग डालकर इसके ऊपर हम इस बर्तन को रख देंगे। अब हम इसमें कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, जिसके कि मैंने सीटी और रबर निकाल ली है। अब इसे बंद करके हमें 20 से 25 मिनट तक पकने देना है। आप 20 मिनट बाद इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, यदि यह पके ना तो आप 5 मिनट और इसे स्टीम होने दीजिए। देखिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं एक टूथपिक डालकर इसे चेक कर लेती हूँ। यह अच्छे से स्टीम हो गया है, तो देखिए बिल्कुल भी इसमें चिपक नहीं रहा है। अब हम इसे बाहर निकाल कर ठंडा कर लेंगे। इसे मैंने बाहर निकाल लिया है और थोड़ी देर हम इसे ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो चुका है, तो चलिए किनारों पर चाकू फेरते हुए इसे अलग कर लेते हैं। एक प्लेट को इस तरीके से ऊपर रखकर इसे हाथों से पीछे की तरफ से टैप करते हुए हम निकाल लेंगे। आप इसे मनचाहे आकार में काट लीजिए। मैं इसे छोटे छोटे चौकोर आकार में काट रही हूँ। देखिए यह कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। यदि आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे थोड़ा सा सैलो फ्राई कर लेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। यदि आप ऑयल नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे वैसे भी खा सकते हैं, बिना फ्राई किए ही खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे सैलो फ्राई कर रही हूँ, जिससे कि ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है और हमारा यहाँ पर नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। इसे बच्चे से बड़े तक बहुत ही पसंद करेंगे। यदि आपको हमारे ये दोनों नाश्ते अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट्स करके बताइए आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।